दर्जन आपराधिक कांडों में फरार चल रहे लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के मघी गांव निवासी बबलू यादव उर्फ बबुआ को पुलिस ने पतवाना चौक से गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर सोनू और लक्ष्मीपुर थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उक्त जानकारी कार्यालय कक्ष में रविवार की देर शाम जमुई SDPO सतीश सुमन ने दी है। वहीं उन्होंने बताया कि SP डॉक्टर सौर्य सुमन के निर्देशानुसार 2 लाख रुपए का इनामी अपराधी बबलू यादव उर्फ बबुआ की गिरफ्तारी के लिए उनके नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। बबलू यादव उर्फ बबुआ को गिरफ्तार किया गया, जिससे कागजी प्रक्रिया पूरी कर उसे जेल भेजा जाएगा। निधि सिंह के साथ जमुई से अंशु मालम की रिपोर्ट। गिरफ्तार अभियुक्त हैं, उन पर अभी हाल में ही बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा उनकी 7 कांडों में संलिप्तता को देखते हुए उन पर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन पर जमुई के विभिन्न थानों में कुल 7 मामले दर्ज हैं। यह 7 मामले हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम इत्यादि के हैं और क्षेत्र में ये आतंक का पर्याय थे। साथ ही साथ अभी हाल में लक्ष्मीपुर में जो किडनैपिंग फॉर रैंसम की घटना हुई थी, उस कांड में भी इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई थी। हम लोगों को जो टेक्निकल एविडेंस मिला था, जो लोकल इनपुट था, उस आधार पर तो इन सभी मामलों के में इनकी संलिप्तता को देखते हुए इन पर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा हाल में ही 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था और हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया है और जो भी इन पर 7 मामले दर्ज हैं उन 7 मामले में कंसोलिडेटेड इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार हुई है, क्या कुछ इसके बारे में पता चला आपको? गिरफ्तारी जमुई से हुई है और जो अनुसंधान है 7 कांडों में इनकी संलिप्तता जो है, जैसा कि मैंने बताया, तो उन सभी कांडों के बारे में हम लोगों को बेहद महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं और उन सभी कांडों का ऑलरेडी डिटेक्शन हो चुका है। उनमें जो और जो मिसिंग लिंक्स थे वो हम लोग जोड़ने में सफल हुए हैं। तो इनका नाम क्या था? इन गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बबलू यादव है, पिता मिश्री यादव है, ग्राम मगही, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई है। करीब इनका 10 से 12 लोगों का गैंग है, सारे सक्रिय सदस्य हैं और बहुत सारे जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रयास जारी है और जल्द ही हम लोग बाकी गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस को कितने दिनों से इसकी तलाश थी और जैसे ही इसकी राशि इनाम के? देखिए, हम लोगों के पास इनके संबंध में टेक्निकल एविडेंस था। हम लोग इन पर टेक्निकल सर्विलियंस रखे हुए थे और हमेशा अनुसंधान में और पुलिस की कार्रवाई में एक माकूल वक्त होता है जब हमें लगता है कि हमारी जो कार्रवाई है उसके इफेक्टिवनेस की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। जब हमें लगा कि हमारे पास इतने सफिशियंट इनपुट हैं, सर्विलियंस डेटा है कि हम लोग जो गिरफ्तारी है उसको मुकम्मल कर पाएंगे, तो हम लोगों ने बेहद प्रभावी तरीके से इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इनाम की राशि कितने? फिलहाल देखिए, यह एक प्रक्रिया है और ये जो नॉर्मल जो प्रोसेस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत हम लोग बिहार पुलिस मुख्यालय में इस बात के लिए आवेदन जो देने की प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे और साथ ही साथ जो आगे वरीय पदाधिकारियों का निर्देश होगा वह इस मामले में इफेक्टिव होगा।